आज मैं सतलोक आश्रम में आया हूँ। सतलोक आश्रम की सारी व्यवस्थाओं को देखने के बाद मुझे लगता है कि परमात्मा यहाँ पर विराजमान है। किस प्रकार से इस 3 दिन के समागम के अंदर हजारों लाखों लोग यहाँ पर आएंगे, यह कुदरत का करिश्मा है। हमारे पूजनीय रामपाल, संत रामपाल जी की तपस्या का परिणाम है और उनकी जो गतिविधियां समाज के लिए हैं उनको बुलाया नहीं जा सकता। हजारों लोग पंक्ति में बैठकर अनुशासन में रहकर भंडारा कर रहे हैं, जगह जगह सेवादार सेवा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति मुझे तो कोई छोटे और बड़े में कोई अंतर नजर नहीं आया। इसी को मुझे लगता है कि वास्तव यही धर्म है जो सबको बराबर लाकर खड़ा कर देता है। मैं आज यहाँ पर आया हूँ, उससे पहले मुझे आने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं कह सकता हूँ सतलोक आश्रम इतने ही 550 के आसपास ऐसे केंद्र होंगे जो पूरे देश में संत रामपाल जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उनकी जो टीम है वह टीम अद्भुत करिश्माई टीम है। मैंने प्रदर्शनी भी देखी, कबीर जी के बारे में भी देखा। सब लोगों से मैंने चेहरे में पढ़ रहा था कि हमारे देश में सनातन धर्म है, सनातन धर्म रहेगा, सनातन धर्म सत्य है। देखिए, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनको एक नियम के तहत बांधा गया कि वो दहेज ना लेते हैं ना देते हैं, और आपने यहाँ देखा होगा कि कोई भी यहाँ पर नशा नहीं करता, नशे को हाथ तक नहीं लगाता। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आजकल किसी के घर लड़की हो जाती है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ना दहेज लेते हैं ना देते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा अद्भुत चीज है यहाँ पर। आज जैसे वर्तमान स्थिति में बेटी जब पैदा होती है तो माता पिता की ऊपर चिंता की लकीरें आ जाती हैं, लेकिन जिनको पता लगता होगा कि संत रामपाल जी का एक ऐसा संगठन है जिसके लाखों अनुयायी हैं, जो निस्वार्थ समाज सेवा करते हैं, तो उन्होंने उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास धन की कमी होती है तो उनको संबल का रूप में काम कर रहे हैं। उनका जो ये निस्वार्थ जो लोग इसमें जुड़ गए, अगर वो दहेज नहीं ले रहे, और उससे बराबर की बात जो आपने कहा मद निषेध, शराब, किसी प्रकार का नशा, बीड़ी, सिगरेट, यह स्वास्थ्य के प्रति भी ठीक नहीं है। उसमें लिखा होता है शराब की बोतल के ऊपर भी, सिगरेट के ऊपर भी, पीना हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। ये जो है संत रामपाल जी का जो मिशन है, उस मिशन मद निषेध को रोकने का जो प्रयास कर रहा है, ये अद्भुत और सराहनीय है। आप और भी काफी भंडारों में जाते होंगे और आज आप यहाँ संत रामपाल जी के भंडारे में आए हैं, तो क्या आपको अंतर लगा उन भंडारों में और संत रामपाल जी के भंडारों में? देखिए, भंडारे में तो मैं तब आया हूँ, सतलोक आश्रम में जो बाउंड्री है, कितनी दूर से लोग खड़े हैं, हमारे सेवादार जो इस भंडारे को नहीं देख रहे, जिनकी सेवा वहां लग गई, और जो यहाँ की सफाई व्यवस्था ये मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से हाथ धोकर भंडारे में लोग बैठे हैं, एक इंच भी कूड़ा नाम की चीज नहीं है। हजारों लाखों लोगों के आने के बाद भी ये मैनेज करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। शुद्ध और सात्विक भंडारा मिले, सफाई के साथ मिले, तभी लोग इस मिशन से जुड़ते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं मानता हूँ कि मुझे जब जब भी मौका मिलेगा मैं अवश्य आपके यहाँ पर आने के लिए प्रयासरत रहूंगा। और मुझे यहाँ की जो कोर टीम है उन्होंने मुझे कहा है कि हम जो है आपको अपने साथ जोड़ के रखेंगे, मैं उनके साथ जुड़ गया, वो मेरे साथ जुड़ गए, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले संत रामपाल जी ने अयोध्या में भी भंडारा किया था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी काफी भारी मात्रा में वहाँ पर जो लोग आते थे अयोध्या राम जन्मभूमि को देखने, और वहाँ पर संत रामपाल जी ने निःशुल्क भंडारा चला, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, संत रामपाल जी का मिशन इसीलिए तो काम कर रहा है, वो जहाँ कोई काम नहीं कर सकता वहाँ ऐसे संत काम करते हैं। लाखों लोग भंडारा वहाँ पा रहे हैं। मैंने भी दिल्ली में 14 ट्रेन भेजी हैं, एक ट्रेन में 1504 लोग जाते थे और उनकी संख्या 25,000 के पास बैठती है। जो लोग वापस आए उन्होंने कहा कि गजब के भंडारे,
गजब की मिठाइयाँ जो अमरनाथ के भंडारे लगते हैं लोग करें उस प्रकार के भंडारे लगे हैं। और जो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात है ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक मन में ठाना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जिससे व्यक्ति को भी खतरा है और हमारे जीव जंतुओं को भी खतरा है और उसका भी हमारे संत रामपाल जी ने आदेश दिया हुआ है कि उसका प्लास्टिक का यूज ना करें। तो यह मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मिशन है, उसके लिए भी बहुत सराहनीय है। देखिए जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज जी है जो वो देश से हर प्रकार की बुराई दूर करने का बेड़ा उठाया हुआ है। आने वाले समय में ना तो कोई बेटी बोझ बनेगी, ना कोई व्यक्ति नशा करेगा और ना ही पूरे देश में कोई भ्रष्टाचार होगा। हर प्रकार एक बहुत अच्छा, जैसे सतलोक आश्रम में आज माहौल है ऐसा पूरे विश्व भर में एक दिन संत रामपाल जी महाराज की और उनके श्रद्धालुओं की मेहनत से बन जाएगा।